नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है मैच नंबर 19। मेरे भाई पिछला धमाका याद करिए, केकेआर का याद है ना पिछला धमाका, जब रिंकू सिंह ने तूफान मचा दिया था। एक बार फिर से केकेआर अपने घर में आएगी, फिर से तूफान मचाएगी, और क्या हो सकता है, क्योंकि ये हर कोई इस बात में नजर गड़ा कर बैठा है कि भाई अब के मैच में कौन चलेगा। पिछले मैच में तो रिंकू सिंह ने तूफान मचा दिया था, इस मैच में कौन मचाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसआरएच और केकेआर जब आमने सामने होंगी कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर, तो कौन से पांच पांच दोनों टीमों के एक्स फैक्टर खिलाड़ी होंगे। यह बहुत जरूरी है कि किन किन पांच खिलाड़ियों पर आप दाव लगा सकते हैं, किन किन पांच खिलाड़ियों पर सभी की नजर होंगी, वो एक्स फैक्टर खिलाड़ी जो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं, इस मुकाबले में प्रदर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो प्लेइंग 11 हो सकती है वही मैंने लिखी है दोनों टीमों की। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मयंक के साथ अभिषेक आएंगे, हालांकि चलो ब्रुक्स को भी मैं लिख देता हूं यहां पर। नटराजल के साथ मुझे ऐसा लगता है कि शायद त्यागी आएंगे, तो शायद वो भी लिख दिया है। तो ये मेरा हिसाब से बाकी प्ले 11 सेम है, ज्यादा बदलाव नहीं हुए। मुझे लगता है कि ज्यादा बदलाव होंगे भी नहीं दोनों टीमों में। पिच को देखते हुए स्पिनर्स को हो सकता है मदद मिलेगी, तो शायद कुछ एक बदलाव स्पिनर्स के तौर पर देखने को मिल सकता है। चलिए अब मैं बताता हूं एक्स फैक्टर खिलाड़ी कौन-कौन से होंगे। देखिए सबसे पहले बताता हूं केकेआर गुजरात, ये बता देता हूं एसआरएच के, फिर केकेआर के बताऊंगा। एसआरएच के हिसाब से मुझे लगता है कि मयंक अग्रवाल नंबर 1 के तौर पर, क्योंकि स्पिनर्स फ्रेंडली पे विकेट है, अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को रन बना रहे हैं, हालांकि उस फॉर्म में नजर नहीं आए जो एक होनी चाहिए मयंक अग्रवाल की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद केकेआर के खिलाफ उनके रन बनेंगे, एक अच्छे बड़े बल्लेबाज के तौर पर सामने आ सकते हैं। मार्करम दूसरे खिलाड़ी के तौर पर एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि मार्करम भी स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, कप्तान है, फॉर्म में भी है, और खुद भी एक अच्छे स्पिनर है। तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी और कप्तानी के साथ साथ मार्करम एक इफेक्टिव खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, एक्स फैक्टर खिलाड़ी के तौर पर आ सकते हैं। उसके बाद में सुंदर, मेरे भाई वॉशिंगटन सुंदर इस पिच पर घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट है, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, फॉर्म में भी हैं, रन भी बना सकते हैं, तो बल्ले और गेंद दोनों से कमाल कर सकते हैं। तो वॉशिंगटन सुंदर एक और बड़े एक्सपेक्टेड खिलाड़ी के तौर पर इस टीम में शामिल है, तो ये भी हो सकता है। मार्को जेंसन चौथे खिलाड़ी के तौर पर, मुझे ऐसा लगता है कि मार्को जेंसन इस टीम के पास है और इस टीम के लिए कमाल की गेंदबाजी कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, बल्लेबाजी से भी विकल्प है उनके पास और गेंदबाजी में भी कमाल की कर रहे हैं। तो मार्को जेंसन इनके पास एक और शानदार खिलाड़ी है जो बेहतर कर सकता है। उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है उमरान मलिक पांचवें खिलाड़ी के तौर पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि उमरान मलिक एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने दम पर इधर उधर कर सकता है, क्योंकि शुरुआत में अगर टप्पे पे एक भी यॉर्कर पड़ गई, 150-155 की स्पीड से भी यॉर्कर आती है, तो उमरान मलिक हमेशा एक्सपेक्टर खिलाड़ी के तौर पर रहते हैं। तो ये सनराइजर्स हैदराबाद के पांच एक्सपेक्टर खिलाड़ी जो मेरे हिसाब से केकेआर के खिलाफ कमाल कर सकते हैं, और जिनको केकेआर को जिन पांच खिलाड़ियों से बचकर रहना पड़ेगा। मयंक अग्रवाल को जल्दी आउट करना पड़ेगा, मार्करम के बारे में सोचना पड़ेगा केकेआर को, सुंदर के बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में कमाल कर सकते हैं। मार्को जेंसन की गेंदबाजी के बारे में, जो कि वो अच्छी फॉर्म में भी और विकेट भी चटका रहे हैं, और उमरान मलिक की रफ्तार से कैसे केकेआर बचेगी, ये केकेआर को सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं केकेआर के पांच एक्स फैक्टर खिलाड़ियों के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर गुरबाज, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस मुकाबले में चलेंगे, उनका बल्ला चलने वाला है, और गुरबाज के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस मुकाबले में एक अलग तूफानी अंदाज गुरबाज का नजर आने वाला है। नीतीश राणा दूसरे खिलाड़ी के तौर पर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक्सपेक्टेड खिलाड़ियों में नीतीश राणा का नाम भी शामिल होगा, क्योंकि फॉर्म में है, पिछले 2-3 मैचों में उतना बढ़िया अंदाज नहीं नजर आया था, लेकिन पिछले मुकाबले में गुजरात के खिलाफ नीतीश राणा के बल्ले पर गेंद आई, उन्होंने रन बनाए, हाफ सेंचुरी तो नहीं लगा पाए लेकिन अच्छी पार्टनरशिप की, तो जिम्मेदारी वाली पारी नीतीश राणा के बल्ले से आ गई है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश राणा रुकेंगे नहीं, तो एक एक्सपेक्टेड खिलाड़ी के तौर पर अपना घर का मैदान भी होगा, सबसे बड़ी बात है कोलकाता का ईडन गार्डन, तो वहां पर नीतीश राणा का बल्ला चलेगा। उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि देखिए फिर भी रिंकू सिंह और मुझे ऐसा लगता है कि शार्दुल ठाकुर, यार मुझे ऐसा लगता है कि शार्दुल ठाकुर इस मुकाबले में एक और एक्सपेक्टेड खिलाड़ी के तौर पर दोबारा से निखर कर सामने आएंगे, और इस मुकाबले में शार्दुल का बल्ला चल सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि शार्दुल ठाकुर का बल्ला इस मुकाबले में चलेगा। उसके बाद में लोकी फर्गुसन, मुझे ऐसा लगता है कि इस मुकाबले में कमाल कर सकते हैं, फर्गुसन की गेंदबाजी भी, क्योंकि रफ्तार है, धार उनके पास है, शुरुआत में विकेट चटकाने की काबिलियत रखते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि सनराइजर्स हैदराबाद का ऊपरी क्रम उतना फॉर्म में नहीं है, मयंक नहीं है, अभिषेक या ब्रुक्स दोनों में से कोई नहीं है, तो यहां पर हो सकता है कि शुरुआत में फर्गुसन जो है वो कुछ झटके दे दे सनराइजर्स हैदराबाद को, और बड़ा एक फैक्टर साबित कर सकते हैं निचले क्रम पर, क्योंकि आखिरी में भी ओवर कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट भी हैं फर्गुसन, शुरुआत में तो करते ही करते हैं। तो ये
फर्गुसन एक एक्सफैक्टर खिलाड़ी के तौर पर शामिल हो सकते हैं। हालांकि इनके पास नरेन भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नरेन भी कमाल की गेंदबाजी कर सकते हैं। शार्दुल और नरेन दोनों को अगर मैं एक साथ रखूं तो कोई गलत नहीं होगा। तो ये वो पांच पांच खिलाड़ी हैं जो कमाल कर सकते हैं मैच नंबर 19 में, जो कोलकाता के घर में खेला जाएगा। कलकत्ता के सामने कौन होगा? सनराइजर्स हैदराबाद की टीम होगी। तो देखने वाली बात होगी कि कौन से उनसे खिलाड़ी कमाल कर सकते हैं। आपके पांच एक्सट्रैक्टर खिलाड़ी कमेंट करके बताइएगा। केकेआर और एसआरएच दोनों के पांच पांच एक्सट्रैक्टर खिलाड़ी कौन से है कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।